लाखों करोड़ों सालों से हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। इस दौरान समय समय पर धरती पर कई जीवों ने राज किया, लेकिन सभी में इंसानी सभ्यता ही एक ऐसी प्रजाति रही जो वक्त के साथ खुद को पूरी तरह विकसित करने में सफल रही। हम सभी जानते हैं कि इंसान का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वो शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। मानव विकास की कहानी आज से लगभग 20 मिलियन साल पहले तब शुरू हुई जब होमो सेपियंस और चिंपैंजी का वंश एक दूसरे से अलग हो गया। हालांकि चिंपैंजी को इंसान के पहले पूर्वज के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमें इवॉल्व होने में कई लाखों सालों का समय लगा और इसी बीच मानव प्रजाति के कई पूर्वज रहे जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। आज की हमारी ये वीडियो ह्यूमन ओरिजिन और पुराने पूर्वजों की कहानी बयां करती है और बताती है कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोकॉन्सुल हेसलोनी। ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत हुई आज से 20 मिलियन साल पहले जब अफ्रीका में फल खाने वाले प्रोकॉन्सुल हेसलोनी जीवों का विकास हुआ। पेड़ों पर उछल कूद करने वाले ये जीव फल फूल खाकर अपना गुजारा करते थे। इनका आकार एक दूसरे से काफी अलग था क्योंकि ये मैमोसेट्स और गोरिला जैसे अलग अलग प्रजातियों से ताल्लुकात रखते थे। पेड़ों पर अपना बसेरा बनाने वाले इन जीवों के सतह पर होने वाली एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं था। ये चार पैरों पर चलते थे। इनके ऊपरी और निचले लिम्ब समान आकार के थे और ये काफी कुछ आधुनिक मकाओं के जैसे दिखाई देते थे। प्रोकॉन्सल्स के ज्यादातर फॉसिल्स हमें ईस्ट अफ्रीका में मिलते हैं जिससे हमें इनकी शारीरिक बनावट का पता चलता है। फॉसिल्स बताते हैं कि इस जीव का ब्रेन काफी छोटा और साधारण था, साथ ही साथ इनके दांत भी काफी छोटे थे, जिसका मतलब है कि पुराने समय में प्रोकॉन्सल्स जरा भी अग्रेसिव नहीं रहे होंगे। खैर, ये तो पृथ्वी पर इस जीव की शुरुआत थी। रिसर्च बताती है कि 10 मिलियन साल में पृथ्वी के तापमान में आई गिरावट ने अफ्रीका के जंगलों को प्रभावित किया होगा, जिसके चलते इन निवासियों को पेड़ से उतरकर जमीन पर अपना बसेरा बनाना पड़ा होगा। इसके लिए प्रोकॉन्सल्स ने दो पैरों पर चलने की शुरुआत की होगी, जिससे हमारे पूर्वज आर्डिपिथिकस रेमिडिस इवॉल्व हुए होंगे। आर्डिपिथिकस रेमिडिस। हालांकि हमारे पूर्वज प्रोकॉन्सल से आर्थ्रोपिथिकस में इवॉल्व होने में सफल रहे, वो दो पैरों पर चलने में कामयाब रहे, लेकिन इनके फीचर्स में ज्यादा बदलाव नहीं आया। इस जीव के पैर अभी भी पहले जैसे ही थे, लेकिन स्पेशल आर्क्स में आए जरूरी बदलाव के चलते अब ये दो पैरों पर चलने लगे थे। हाँ, ये बात अलग है कि आर्थ्रोपिथिकस की चाल इंसानों से काफी अलग थी। फॉसिल्स बताते हैं कि इस जीव के हाथ घुटने तक थे और उंगलियां आधी इंसान और आधी एप से मेल खाती थी। दो पैरों पर चलने के बाद भी इन्होंने अपने पेड़ के बसेरों को छोड़ना नहीं चाहा, इसलिए ये दो हाथ के इस्तेमाल से पेड़ पर चढ़ते रहे होंगे। आर्डिपिथिकस काफी कुछ इंसान और एप के बीच का क्रॉस था क्योंकि इसके आधे फीचर्स इंसानों से मेल खाते थे जबकि बाकी फीचर्स एप से। लेकिन ये जीव भी इवॉल्व हुए जैसे जैसे अफ्रीका में पेड़ों की मात्रा कम हुई और सवाना का विकास हुआ। एक नई प्रजाति ने अफ्रीका के जंगलों में दस्तक दी। इस नई स्पीशीज को ऑस्ट्रालोपिथिकस फ्रांसिस के नाम से जाना गया। ऑस्ट्रालोपिथिकस जल्द ही अपने नए घर पर रहने के लिए विकसित हो गए। इनकी चाल इंसानों से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। ये जानवर झुंड में रहना जान गए। कई किलोमीटर चलने में भी इन्हें महारत हासिल हो गई। और जहाँ तक भोजन की बात है तो ये जीव सब कुछ खाना और पचाना भी जान गए। ऑस्ट्रालोपिथिकस बड़ी आसानी से ग्रुप्स फॉर्म करना सीख गए ताकि मुसीबत के समय में वो एक दूसरे की जान बचा सके। इसके अलावा इन जीवों में सभी चीजों को जानने और समझने की नई जिज्ञासा का विकास हुआ। फॉसिल्स बताते हैं कि इस जीव के मस्तिष्क का ढांचा एप्स जैसा ही था। पहली नजर में देखकर इसमें इंसानों के फीचर्स का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन ध्यान से देखने पर हमें पता लगता है कि स्कल्स में मस्तिष्क का आकार पहले से बड़ा है और कैनी टीथ का आकार पहले से भी छोटा हो गया है। खैर, 3 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रालोपिथिकस भी इवॉल्व हुए और इंसानों की पहली प्रजाति ने धरती पर अपना कदम रखा। इस प्रजाति को वैज्ञानिकों ने होमो हैबिलिस का नाम दिया। होमो हैबिलिस। इंसान की इस पहली प्रजाति में हमारे रूबिकन साइज दिमाग का विकास हुआ और वजन 700 ग्राम तक पहुंच गया। हमारे जीनस से ताल्लुकात रखने वाले होमो हैबिलिस पहले हैंडीमैन थे जो हाथ का इस्तेमाल समझ चुके थे। ये धरती पर पहली प्रजाति हुई जिन्होंने हाथ के इस्तेमाल से पत्थर बनाया और यही वजह रही कि होमो हैबिलिस को हैंडीमैन की उपाधि दी गई। इस जीव ने पत्थरों से बनाए हथियार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए और बाकी जानवरों से खुद को रक्षा करने के लिए किया। अब समझ सकते हैं कि होमो हैबिलिस इंसानों की तरह दिमाग का इस्तेमाल करना जान गए थे। हालांकि अभी तक इनकी सोच का दायरा काफी सीमित था, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे ये पूर्वज पहले से काफी विकसित थे। पेड़ का जीवन भले ही काफी आरामदायक था, लेकिन ट्रेवलिंग एंड एक्सप्लोरेशन इंसानों के लिए आकर्षण का केंद्र था। शायद इसी भावना से होमो हैबिलिस केवल सवाना के क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहे और आगे बढ़ते गए। हालांकि दुनिया में खुद को जीवित रखना पेचीदा था, लेकिन ब्रेन इंटेलिजेंस हर
मुश्किल का समाधान ढूंढने के लिए काफी था। इंसान की पहली प्रजाति को बचाने में सबसे बड़ा हाथ ताकत और गुस्से का नहीं बल्कि इंटेलिजेंस का रहा। हालांकि होमो हैबिलिस के स्कल्स की बनावट काफी कुछ ऑस्ट्रालोपिथेकस से मेल खाती थी, लेकिन दिमागी हिस्सा इंसानों की तरफ विकसित हो रहा था और चेहरे का आकार छोटा हो गया था। ये इनके इवोल्यूशन की कमाल की खबर थी। करीब 1.5 मिलियन साल पहले एक नई स्पीशीज ने पृथ्वी पर दस्तक दी। ये स्पीशीज होमो हैबिलिस की एडवांस वर्जन थी, जिसका नाम था होमो एर्गेस्टर। होमो एर्गेस्टर धरती पर अब तक वो समय था जब इंसान के पूर्वज जानवरों से डरकर और संभल कर रहते थे, लेकिन होमो एर्गेस्टर ने इस नियम को बदल डाला और अफ्रीका के सवाना में बाकी जानवरों के लिए खौफ की वजह बन गए। इंसान की इस प्रजाति ने भाले और पत्थर से एडवांस हथियारों का निर्माण करना सीख लिया। कल तक होमो हैबिलिस केवल छोटे जानवरों को अपना भोजन बनाते थे, लेकिन इंसान की इस प्रजाति से अब बड़े जानवर भी सुरक्षित नहीं थे। इंसान अब शिकारी बन चुके थे। हाथी और एंटीलोप्स के जो फॉसिल्स हमें अफ्रीका से मिलते हैं, उससे पता चलता है कि इंसान ने हाथी जैसे जानवरों पर भी भाले और पत्थर से वार करना शुरू कर दिया था। ये फॉसिल्स हमें सबूत देते हैं कि इंसान एवोल्यूशन की एक नई स्टेज पर पहुंच चुका था, जहां जंगलों पर उसने काबू पाना सीख लिया था। ये वही समय था जब हमने आग को खोज निकाला और इसके फायदे को समझ गए। ईस्ट अफ्रीका से मिले होमो एर्गेस्टर के फॉसिल हमें बताते हैं कि इनके दिमाग का आकार आधुनिक इंसान से दो गुना छोटा था और जबड़े का साइज काफी बड़ा था। इसके अलावा इनके शरीर की बनावट बिल्कुल आधुनिक इंसान की तरह ही थी। आकार और लंबाई भी समान थी, कोई अंतर था तो केवल दिमागी रूप से। होमो एर्गेस्टर धीरे धीरे पूरे अफ्रीका में फैल गए और ये पहली प्रजाति रही जिसने दूसरे द्वीप पर भी अपने कदम जमाए। पूरी पृथ्वी पर अपनी तादाद को फैलाने के बाद अब बारी थी पृथ्वी को कॉलोनाइज करने की, जो हमारे एवोल्यूशन के सबसे जरूरी और आखिरी स्टेज थी। हालांकि इस स्टेज को पाना इतना भी आसान नहीं था। धरती पर जीवन कई कठिनाइयों से भरा पड़ा था, लेकिन हमारे एवोल्यूशन की दूसरी प्रजाति इसे अंजाम देने में काबिल थी। हम बात कर रहे हैं होमो हेडेलबर्गेनेसिस की। होमो हेडेलबर्गेनेसिस धरती पर पहले प्री हिस्टोरिक इंसान थे जिनके दिमाग का आकार और वजन बिल्कुल आधुनिक इंसान के बराबर था। हालांकि उनकी आंखें, चेहरे और जबड़े आज भी बड़े थे, लेकिन इस स्टेज तक इंसान कई मायनों में विकसित हो चुका था। इस आखिरी चरण में होमो हेडेलबर्गेनेसिस घर बनाना जान गए थे और वो मृत लोगों को दफनाने लगे थे और कला की वस्तुओं का निर्माण भी करने लगे थे। आप ये समझ लीजिए कि धरती को कॉलोनाइज करने की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए इंसान ने एवोल्यूशन के मुश्किल भरे रास्ते का सफर किया। होमो हेडेलबर्गेनेसिस तक पहुँचने से पहले इंसान की 20 प्रजातियों ने एवोल्यूशन पर काम किया। वक्त के साथ ये सभी प्रजातियाँ धरती से गायब हो गई और जो बची थी वो होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव थे। होमो सेपियंस कई मिलियन साल से एवोल्यूशन के बाद धरती पर जन्म लेने वाले होमो सेपियंस ने एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन के एक नए सफर की शुरुआत की, जिसके बारे में हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा। इंसान हाईली इंटेलिजेंट प्राइमेट के रूप में सामने आए और धरती पर सबसे डोमिनेंट स्पीशीज बन गए। आज ये एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसने पूरे पृथ्वी को कॉलोनाइज करने के आखिरी चरण को भी पार किया है। अब वो अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों पर अपनी नजर गड़ाए है। हालांकि आज हम इंसान के एवोल्यूशन की सबसे एडवांस स्टेज है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि एवोल्यूशन आज भी जारी है और ह्यूमन स्पीशीज का जीन अभी भी इवॉल्व कर रहा है। ऐसे में रिसर्चर्स मानते हैं कि एवोल्यूशन की अगली स्टेज में हमारा शरीर और हमारा दिमाग हमारे वंशजों के जैसा बिल्कुल नहीं होगा। एनवायरनमेंट के एवोल्यूशन के हिसाब से ही इंसान का शरीर इवॉल्व करेगा, जैसा कि हमेशा से होता आया है। हालांकि असल में अगली स्टेज कैसी होगी, इस बात को लेकर कई अंदाजे लगाए जाते हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि मिलियन सालों में एवोल्यूशन की अगली स्टेज इंसान को कहां ले जाती है और हमारा भविष्य कितना रोमांचक हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।